हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था, वहाँ हमने सेगमेंट्स के एरिया का डिफरेंस फाइंड किया था। यहाँ हमें सेक्टर्स के एरिया का डिफरेंस फाइंड करना है, एक मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के एरिया का डिफरेंस फाइंड करना है। तो जो आपका यहाँ सेक्टर गिवन है आपको, वो एंगल 120 डिग्री बना रहा है और उसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 120 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो ये जो हमारे सर्कल का सेंटर है, इसको मैंने ओ ले लिया और ये मैंने यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना दिया। तो जो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि टोटल 360 बनता है। तो ऑब्वियसली ये दूसरा वाला आपका बड़ा ही होगा। तो ये 120 डिग्री हो गया और ये 21 सेंटीमीटर इसकी आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो ये फिगर मैंने कंप्लीट कर लिया। ये माइनर सेक्टर हो गया आपका येलो वाला और ये वाला सेक्टर हो गया मेजर सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने का हमें फॉर्मूला पता है, तो उससे हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे। और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे मेजर सेक्टर आ जाएगा। गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ बी हमें 120 डिग्री गिवन है, तो नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल, जिसका एंगल ए ओ बी 120 डिग्री, फॉर्मूला आपका हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लो। थीटा यहाँ पे हमारा 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम 22/7 पुट कर रहे हैं, इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस आपका 21 है, तो 21 स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 पुट कर लिया। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 के टेबल में 36 आया आपका 3 टाइम, और 3 के टेबल में 21 आया आपका 7 टाइम, 7 से आपका 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो सिर्फ बचा कितना, 22 इंटू 21, तो उसको मल्टीपल कर लो, 22 इंटू 1 आपका 2 हो गया, 2 एलसीएम 44, 44 प्लस 2 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो नाउ हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल में से इस येलो वाले पार्ट के एरिया को, यानी कि माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करें। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने फाइंड कर लिया, तो वो हो गया हमारा 462। तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर, रेडियस आपकी यहाँ पे 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर आपका यही हो गया माइनस 462। तो 7 के टेबल में 21 कैंसिल हुआ आपका 3 टाइम, तो यहाँ पे हो गया 22 इंटू 3 हो गया आपका 66, 66 इंटू 21 हो जाए आपका यहाँ पे 1386 माइनस 462, तो 1386 में से 462 गया, तो ये बच गया आपका 924 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका ये आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका ये आ गया। अब इन दोनों का क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो मेजर सेक्टर का एरिया हमेशा ज़्यादा होगा, तो इसको इसमें से इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर आप यहाँ पुट कर लो, 924 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका हो गया 462। तो 4 माइनस 2 2, 12 माइनस 6 आपका 6 हो गया, और 9 माइनस 5 आपका यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस दोनों सेक्टर के एरिया का डिफरेंस कितना आ रहा है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इस तरह से लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड डिफरेंस ऑफ टू सेक्टर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।